नमस्ते कन्या लग्न फेब्रुवरी 2024 वीरगो एसेंडेंट कैसा रहेगा। देखिए मैंने हेडिंग लिखा है शॉर्टेज ऑफ मनी, यानी कि कोई शुभ कार्य के लिए हो सकता है, ये आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है, क्योंकि लग्नेश अभी पंचम में आया है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को भी लिए भी अच्छा है, क्योंकि कुछ बच्चों के देखिए संतान स्थान में उच्च का मंगल है, लग्नेश भी आपका पंचम में है, तो कुछ चीजें पॉजिटिव भी दिखाई दे रही है। सो शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की शॉर्टेज, तो आपका आठवां गुरु भी चल रहा है कोई शुभ कार्य के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, कुछ एजुकेशन के लिए कुछ खर्च दिखाई दे रहा है। एंड दिस मंथ इज ए टाइम टू लर्न समथिंग टिल 19 फरवरी, 19 फरवरी तक आपके लिए कुछ सीखने का टाइम है। अब जैसे ही 20 फरवरी आ गई, 20 फरवरी से 6 मार्च तक आपको रोग ऋण और शत्रु से केयरफुल रहने का टाइम, कोर्ट कचहरी का केसेस है, हेल्थ का है, या कोई शत्रु पीड़ा आपको मिलेगा 20 फरवरी से 6 मार्च में। ट्राई टू अवॉइड, मतलब देखिए आप कोई बोलने से विवाद खड़ा होता है, बुध मने बोलना है और बुध 6वें स्थान में जाएगा तो शायद बोलने से विवाद खड़ा कर दे, ये भी हो सकता है। 20 फरवरी से आपको थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है, केयरफुल फॉर द कोर्ट एंड केसेस। अब देखें कि आपका जो संतान है ये 11 जनवरी से 9 फरवरी तक उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप नहीं समझ पा रहे। बच्चे आपके वो कुछ तो ऐसा करने वाले हैं या कुछ सोच रहे हैं, ये आपके समझ में नहीं आ रहा है। 11 जनवरी से 9 फरवरी तक। बाकी देखिए इस महीने में कोई कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन है तो जीत आपकी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि 6वें स्थान में शनि, ये शत्रु बढ़ाता है, शत्रु बढ़ाएगा, गुप्त शत्रु बढ़ाता है, तो आपको अवॉइड करिएगा तारीख 20 फरवरी से 6 मार्च तक का टाइम, जब तक गुरु आपका जो बुध 6वें स्थान से, जिनकी हेल्थ उम्र बड़ी है उनको तो 20 फरवरी से 6 मार्च कुछ हेल्थ के इश्यू भी आ सकते हैं। अब देखें डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले ये कैलेंडर पर मार्क कर दीजिएगा, रेड सर्कल कर दीजिएगा, ये दिनों को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, देखिए 1, 2 और 3 फरवरी, दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है 1, 2, 3, स्टूडेंट के लिए भी 1, 2, 3 तारीख बेस्ट है जो प्यार करते हैं, क्योंकि ये देखिए 1, 2, 3 तारीख टू लर्न एंड टू लव द बेस्ट है, 1st, 2nd एंड 3rd बेस्ट है, मतलब ये दिन टेंशन वाला दिन नहीं है। बट 4 और 5 तारीख यू टू बी केयरफुल फॉर हेल्थ ऑल्सो, रोग ऋण और शत्रु, यानी कि कोई छोटी सी बात आपने बोला और विवाद खड़ा हो गया, तो ये 4 और 5 स्ट्रेसफुल है आपको। हो सकता है इस समय में 4 और 5 की तारीख पैसा उधार मांगना पड़े, ये भी हो सकता है, यानी कि कर्ज का टाइम है, ये पैसा खर्च का टाइम है, रोग ऋण और शत्रु से केयरफुल रहने का टाइम। 6 और 7 तारीख आपकी मैरिज लाइफ को ट्यून देने का टाइम, द टाइम फॉर द बेस्ट टाइम फॉर अ पार्टनरशिप, अगर जो आपका 6 और 7 तारीख पार्टनरशिप में बिजनेस है तो ये बेस्ट रहेगा, 6 और 7 तारीख मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए भी बेस्ट है। देखिए सप्तम में राहु आया है आपके, यानी कि अभी आने वाले 1.5 साल तक 17 मई तक आपका स्पाउस से आपको शिकायत है रहेगी, और ऐसा है तो विष्णु सत्य नाम करके बहते जल में बारियल बहा दीजिएगा 9 फरवरी को। इन शॉर्ट 6 और 7 तारीख आपकी मैरिज लाइफ के लिए ट्यूनिंग के लिए बहुत अच्छा है, मैरिज लाइफ का स्पाउस आपका ज़्यादा रोमांटिक है, ज़्यादा दिखने में भी सुंदर है आपसे, ऐसे आप भी कुछ कम है ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी उम्र कम दिखाई देती, आप उम्र को बहुत अच्छी तरह से महत कर सकते हैं, यानी कि उम्र आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। अब देखें 8 और 9, इट इज़ अ स्ट्रेसफुल टाइम, 8 एंड 9 इज ए स्ट्रेसफुल टाइम, आपके पति या पत्नी के परिवार में कुछ कनेक्शन आ सकता है, 8 और 9 को तनाव का टाइम है, 8 और 9 को हो सके तो रात को 10 मिनट, 8 तारीख को और 9 तारीख को रात को 10 मिनट आंख बंद करके बैठिएगा बेड में, डीप सांस लीजिएगा, एग्जॉस्ट करिएगा, कुछ भी ज़्यादा सोचने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली आंख बंद करके डीप सांस लेके डीप एग्जॉस्ट करो कंप्लीट, आपको 100% रिलीफ महसूस होगा 8 और 9 तारीख को। अभी 10 और 11 तारीख यानी कि 10 तारीख से 15 तारीख बिजनेसमैन लोगों के लिए बेस्ट, 10 और 11 तारीख ये कहीं कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, आपका माइंड भी 10 और 11 फरवरी को बहुत रिलीजियस हुआ होगा 10 और 11 तारीख को। अब 12, 10 और 11 अच्छे दिन है आपके लिए,
12 और 13 तारीख दोज हुआ जॉबलेस उनके लिए भी बेस्ट है। अब 10 से 15 तारीख तक अगर आप बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग के लिए कोई डेट सिलेक्ट करना हो, एक दो दिन आगे पीछे करके अगर पोस्टपोन करके ये डेट में करोगे तो आपको कामयाबी अच्छी मिलेगी। 12 और 13 जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है, आपकी रिकग्निशन भी होगी काम धंधे में। आप नौकरी करते हैं ज्यादातर, तो मैं ज्यादातर देखता हूँ बॉस के साथ का ट्यूनिंग भी अच्छा होता है आप लोगों का। और जेमिनी साइन कर्म स्थान में है बोलेगा तो आप बहुत प्रैक्टिकल, यू आर हैविंग वेरी गुड एबिलिटी टू रिप्रेजेंट एनीथिंग, और मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग और रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका हाथ पकड़ना मुश्किल है। 12 और 13 तारीख अच्छा है, 14 और 15 तारीख आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है आपके लिए। 14 और 15 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, मैंने 1, 2, 3 तारीख आपको पहले ही बताया था, 14 और 15 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। ये 14 और 15 के दिन आप शेयर मार्केट में और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकेंगे अपनी, हो सकता है। देखिए ऐसा तो आठवां गुरु है, कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा ऐसा नहीं है, बट 14 और 15 तारीख को आपके भाई बहन के साथ का, वो भी पर्टिकुलरली अगर आपसे बड़े भाई है तो उनके साथ का संबंध भी 14 15 को आप अच्छा कर पाएंगे। 14 और 15 तारीख अच्छा दिन रहेगा। अब 16 और 17 तारीख इस महीने का सबसे स्ट्रेसफुल दिन है ये 16 और 17। डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, खर्च का टाइम है, षड्यंत्र का टाइम है, कोई आपको बेवकूफ भी बनाएगा 16 और 17 तारीख को। मेंटली आपके लिए तनाव का टाइम, अपनी सोच से अपने विचार से आप परेशान हो जाएंगे 16 और 17 तारीख को, सो इसको पेंडिंग रखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको। 18 और 19 तारीख ये आप अपने आप को रिवाइज करें, आप जानने की कोशिश करेंगे आप 18 19 तारीख को कहां चूक रहे, क्या गलती हो रही है, किस तरह से इसको फ्यूचर में एलिमिनेट करा जा सकता है, इसको आप 18 और 19 तारीख को सोचेंगे। अब 20 और 21 तारीख इस महीने में फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है, किसी से पैसा मांगना हो तो भी बेस्ट है, शेयर बाजार में आपके शेयर बेच के बाहर निकल जाना है तो भी बेस्ट है। देखिए आपका उच्च का मंगल है शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों का, मैं ऐसा मानता हूं आठवां गुरु है, कोई बहुत बड़े चमत्कारी टाइम से जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। सो शेयर बाजार से आपका काम थोड़ा मंदा हुआ है, स्लो हुआ है, ये सब आपको जैसे ही गुरु बदलेगा, यानी कि 30 अप्रैल तक ये गुरु अष्टम में है, ये थोड़ा तनाव तो देता ही रहेगा, और मैंने बोला ऐसा 20-21 फरवरी फाइनेंशियली बेस्ट दिन है। 22 और 23 तारीख ये आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट है, आप कोई ट्रिप ट्रैवलिंग करेंगे, शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा एक 22 और 23 को। 24 और 25 तारीख यू विल फील सम हैप्पीनेस एट होम, देखिए शुक्र जैसा ग्रह आपके चतुर्थ में है, तो ये आपका 18 तारीख से 11 तारीख तक का आपका स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चीज भी दिखाई दे रहा है। चतुर्थ का शुक्र आपके लिए मन के लिए, मानसिकता के लिए बड़ा अच्छा है, उसमें 24 और 25 तारीख और अच्छा दिन साबित होगा। 26 और 27 तारीख ये आपके लिए बड़ा रोमांटिक टाइम है, स्टूडेंट के लिए भी 26-27 बेस्ट है, टू लर्न समथिंग, टू लव समवन, 26-27 ये शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए भी 26-27 तारीख अच्छा रहेगा। मार्केट को ट्रेंड आप समझ सकते हैं 26-27 को, अगर आप कोशिश करें तो, जैसे 1, 2, 3 तारीख है टू लर्न है, ऐसा 26-27 भी टू लर्न है, 1, 2, 3 भी लर्न है और 26-27 भी पॉजिटिव है टू लर्न सम मार्केट ट्रेंड ड्यूरिंग दिस डे 26 और 27 को। 28 तारीख को आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, आपके बोलने से विवाद ना हो जाए इसके लिए केयरफुल रहो, झगड़ा ना हो जाए इसके लिए 28 तारीख को केयरफुल रहिएगा। 29 तारीख मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए वापस बेस्ट साबित होगा, पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो आपके लिए 6, 7 और 29 ये बेस्ट रहेगा। अब यह पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो 6, 7, 29 ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है अगर आपका, ये आपके मैरिज लाइफ के लिए ट्यूनिंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये अबाउट तारीख को कहीं मार्क कर लीजिएगा कैलेंडर में, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए तो मैंने बहुत सारा डेट बताया, खाली ये डेट में अपॉइंटमेंट नहीं आना चाहिए ये ध्यान रखें। ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आप लोगों का क्या होता है, ज्यादा इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिंदगी को बहुत सोच के जीने की कोशिश करते हैं, और कलयुगी वैभव भी बहुत प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि कन्या वाले को प्राप्त नहीं होता, बट ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा व्यवहारिक होते हैं, और यही आपकी तकलीफ है।
बेसिकली बिजनेस करते हैं उनके लिए 10 से 15 फरवरी ये आपके कैरियर के ग्राफ को ऊपर बढ़ता हुआ आगे चलता हुआ आप देखेंगे 10 से 15 फरवरी में 6, 7, 29 भी इफ यू आर ए जॉब बिजनेस के लिए आपको टेम्पररी टाइमिंग 6, 7 और 29 आपको लिफ्ट भी कर सकता है। टेम्पररी टाइमिंग है, बहुत बड़ा चांस है ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर उसको आप कितनी हद तक पकड़ सकते हो ये आप पर डिपेंड है, आपके बर्थ चार्ट पर डिपेंड है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 4, 5 और 28 फरवरी, मतलब अवॉइड करिएगा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड करिएगा, फायदा रहेगा। स्टूडेंट के लिए 1, 2, 3, 10, 11, 26, 27 बेस्ट है। देखिए स्टूडेंट के लिए कुछ सीखना हो तो ये महीना देखिए 1 फरवरी से 19 फरवरी तक लग्नेश पंचम में सीखने के लिए बेस्ट है। अब आपके लग्न में केतु आया यानी कि आपको अभी ठंड का माहौल भी चल रहा है, एटलीस्ट 3 ब्लैंकेट का दान कर देते हो आप, 3 ब्लैंकेट्स बहुत अच्छी बात है। आपका ये लग्न का केतु है आपका, आपको नजर लगने लग जाएगा यानी कि ब्लैक मैजिक चलने लग जाएगा ऐसा आपको महसूस होगा, तो गले में रुद्राक्ष पहनिएगा और कुत्ते को खाना खिलाइएगा। ये आने वाले 1.5 साल तक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, फायदे में रहेंगे, फायदेमंद फायदा रहेगा आपको। अब देखें आगे चलते हैं, बेस्ट है स्टूडेंट के लिए मैंने बताया आपको, अभी प्यार करते हैं उनके लिए 22 फरवरी इसके लिए बेस्ट है। कर्क और मकर में अपोजिशन हुआ है, चंद्र शुक्र का, शुक्र आगे बढ़ रहा है और ये कर्क का चंद्र और शुक्र का अपोजिशन है 22 फरवरी को सुबह 8:30 बजे, यानी कि आप किसी से प्यार करते हैं तो प्रपोज करना चाहते हैं। देखिए बहुत लविंग ट्यून तो रहेगा 1 फरवरी से 19 फरवरी तक, बहुत लविंग ट्यून तो रहेगा ही आपका, तो ये आप कर सकते हैं प्रपोज 22 फरवरी को। विवाह के लिए अभी कोई योग नहीं है जब तक गुरु आपको सपोर्ट नहीं करता, ये गुरु का कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, गुरु 8वें स्थान में पड़ा है, सो यू हैव टू वेट टिल द जुपिटर चेंज। आपको मई से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम भाग जाने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम। देखिए जनवरी महीने में पर्टिकुलरली बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिला है जनवरी में, वो ये बहुत बड़ा आपका क्या बोल सकते हो, बहुत बड़ा फिगर हाथ में आ सकता है, बहुत बड़ी एम्बिशन कंप्लीट हो सकती है आपके लिए। जनवरी बहुत अच्छा था, फरवरी एक्सपेंसिव रहेगा। शेयर मार्केट के लिए बेस्ट बताया मैंने 1, 2, 3, 26, 27। इन्वेस्टमेंट के लिए फर्दर 14 और 15 है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, और रोकड़ा करके मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं तो 20, 21 बेस्ट रहेगा। अब आप इसको देखें कि इस महीने में 13 फरवरी और 28 फरवरी को चतुर्थी गणेश मंदिर में जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आपका संतान ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है, 11 जनवरी से 9 फरवरी तक उसकी हरकतें आपके समझ में नहीं आ रही, वो क्या चाहता है क्या कर रहा है, तो जरूर जाइएगा गणेश मंदिर में जाइएगा और गाय को गुड़ खिलाइएगा 13 तारीख और 28 तारीख को। 7 फरवरी 21 फरवरी ये प्रदोष की तारीख है, अगर आप शिव उपासना करते हैं तो बेस्ट है। अभी देखिए सप्तम में राहु आया है यानी कि आपको शिव उपासना करते हैं तो बहुत अच्छा है, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। और सप्तम का राहु है 9 फरवरी को, विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। आपके मैरिज लाइफ में देखिए अभी कॉन्ट्रोवर्सी अभी शुरू हुई है, पार्टनरशिप में बिजनेस होगा तो उसमें भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ये राहु सप्तम का ये आपके विचारों में, आपके स्पाउस के विचारों में, आपके पार्टनर के विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देता रहेगा। आपको मैंने इस महीने में 6, 7 और 29 तारीख बोला है, ये तारीख का उपयोग करिएगा। देखिए मैं जो एस्ट्रोलॉजिकली जो डेट देता हूँ कैलकुलेशन के बाद डिराइव करता हूँ वो डेट देता हूँ, और ये डेट का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। बहुत बड़े बड़े बड़ी तरक्की ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आपको जनवरी में एक बहुत बड़ा हाथ में आंकड़ा मिला है, बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। और मैं चाहता हूँ देखिए फरवरी में कुछ शुभ कार्य के लिए पर्चा खर्च होगा, ये शुभ कार्य आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चों को कहीं फॉरेन वॉरेन भेजना हो कहीं वो भी हो सकता है, क्योंकि कुछ शुभ कार्य के लिए खर्च लिखा है, ये खर्च शुभ कार्य के लिए हो सकता है। आप अगर स्टूडेंट है तो अपने लिए बुक बिक यानी कि पैसे की शॉर्टेज से तो आप गुजरेंगे और ये शॉर्टेज ऑफ मनी आपके शुभ कार्य के लिए खर्च होगा। तो ये अबाउट समझ है इस महीने का आपका। देखिए जैसे ही संतान स्थान में मैंने बताया आपको मंगल आया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है आपका बच्चा, वो आप देखते होंगे कि आपका संतान अभी 5 फरवरी से 14 मार्च तक उसका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस डेफिनेटली आप अनुभव करते हैं, और अगर कॉन्ट्रोवर्सी फील करते हैं तो मैंने 13 और 28 फरवरी को करने के लिए बोला है। ये अबाउट आपका लेखा जोखा है इस महीने का, ये गज केसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र के योग है, और इस महीने में एक बहुत अच्छी चीज है गुरु पुष्य नक्षत्र। 22 फरवरी को कोई कार खरीदना चाहते हैं या कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, 22 फरवरी
द बेस्ट साबित हो सकता है। 22 फरवरी के दिन गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, जरूर खरीदिएगा। 22 तारीख आपके लिए भाई बहनों का साथ का रिलेशन और पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात मैंने बोली, और आप कोई महंगा चीज भी खरीद सकते हैं। ये लेखा जोखा है इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।